हेलो, एम ऑडिबल? गूगल मीट पे लेने है, प्रॉब्लम नहीं है, बट गूगल मीट में जो रिकॉर्डिंग करते हैं ना, पूरा स्क्रीन नहीं आता उसमें। इसके लिए लेक्चर ले लेंगे, लेकिन ये कैसा है, जो इस पर रिकॉर्ड करते हैं ना, तो पूरा स्क्रीन आता है। गूगल मीट पे जब रिकॉर्ड करेंगे तो आधा स्क्रीन में पूरा उसका प्रीफेस वगैरह रहते हैं, तो पूरा आता नहीं है, तो फिर बाद में रिकॉर्डिंग भी पूरा आएगा नहीं क्लियर। ठीक है, एम ऑडिबल? हेलो, तो इसमें अपने पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया है, वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो एम निकालने का फॉर्मूला क्या था? डेल एफ बाय डेल वाई का लेस देन एम आना चाहिए। तो यहाँ पे जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये सिंपल, या फिर इसको डायरेक्ट हम लोग निकाल देंगे तब भी चलेगा। अपने को एफ ऑफ एक्स पर डायरेक्ट भी ये भी निकाल सकते हैं, एफ एक्स वाई इज लेस देन एम। तो अगर इसको लेस देन करेंगे तो कितना आ जाएगा? अपने पास एक्स दिया है 0 से लेके ए तक, और मॉड वाई लेस दिया है लेस देन बी, तो ये क्या हो जाएगा, किससे लेस देन आ जाएगा? ये लेस देन बी स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर एक्स ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? 1। तो इसका मतलब इसको दे देंगे एम, तो एम की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर प्लस 1। एम इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 1 आ गए। और इंटरवल निकालने का फॉर्मूला क्या था? एक्स नॉट माइनस एच, एक्स नॉट प्लस एच, बट इनिशियल कंडीशन क्या दिया है? वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्स नॉट और वाई नॉट दोनों 0 है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा माइनस एच से लेके एच तक। बट जितने भी ऑप्शन है ना, वो सब में ये फिक्स अपने पास 0 दिया है, तो सिर्फ अपने को क्या निकालना है? एच निकालना है। एच की वैल्यू मिल गई, और एच कैसे निकालते हैं? मिनिमम ऑफ ए और बी अपॉन एम। अब एम कितना दिया है अपने पास? मिनिमम ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस 1। तो अब इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, जिसमें से ए जो है, ए अपने पास क्या दिया है कि जो ए है ये हमेशा ग्रेटर देन हाफ होगा, ए ग्रेटर देन हाफ है, अपने को सिर्फ निकालना है बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू। ये मिल गया तो अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? पहले हम लोग एम निकालें, एफ का बाउंडेड, तो एम किससे बाउंडेड है? बी स्क्वायर प्लस 1 से, तो एम आ गया बी स्क्वायर प्लस 1। फिर इंटरवल, मैक्सिमम इंटरवल क्या होगा जिस पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा? एक्स नॉट माइनस एच और एक्स नॉट प्लस एच, बट इनिशियल कंडीशन में एक्स नॉट 0 दिया है, तो माइनस एच से लेके एच तक, जिसमें से ये भी अपने पास क्या दिया है? 0, तो एच निकालना है बस। तो एच निकालने का फॉर्मूला है मिनिमम ऑफ ए बी अपॉन एम, तो ए अब एम के प्लेस पे बी स्क्वायर प्लस 1, तो सिर्फ अपने को इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। अब एक काम करते हैं, बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 निकाल लेते हैं कि ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि ए के बारे में तो पता है ए कहाँ तक जाएगा, हाफ से लेके पूरा इनफाइनाइट तक जाएंगे, तो बस खाली निकाल लेते हैं कि बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 कहाँ तक जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? बोलो। नहीं, बाउंडेड निकालना है, सॉरी, एम जो रहेगा बाउंडेड रहेगा एफ का। एक्सिट कंडीशन के लिए जब सी निकालते हैं ना, तो डेल एफ बाय डेल वाई निकालते हैं। हेलो, एम निकालना ना, एम एफ का बाउंडेड, मतलब ये एफ क्या होना चाहिए? बाउंडेड, तो वो एम निकालने का फॉर्मूला बी स्क्वायर प्लस 1। हेलो, क्लियर ही है? और जब डेल एफ बाय डेल वाई लेस देन, ये जो लिप्सिट कांस्टेंट निकालते हैं ना, जो सी अपॉन वाई माइनस वाई नॉट, तो ये सी अपने पास डेल एफ बाई डेल वाई को जो बाउंडेड होगा ना, वो सी के लिए रहता है। यहाँ पे जो एम है, सॉरी मैं शायद मिस्टेक किया था, ये एम, ये एफ का बाउंड रहेगा, ठीक है?
लिप्सिट कंडीशन का सी कांस्टेंट निकालने के लिए हम लोग डेरिवेटिव का वो बाउंडेड लेते हैं। हेलो, तो अपने को निकालना है कि बी और बी स्क्वायर प्लस वन ये कहां तक जा सकते हैं। अब देखो बी की वैल्यू जो है ये जीरो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा वो बस निकालते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ एफ ऑफ बी इज इक्वल टू बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन। अच्छा किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम मिनिमम आएगा निकालो इसको डेरिवेटिव का यूज करके। कितना आ रहा है इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, कैसे निकालते हैं मालूम है ना, इसका डेरिवेटिव पुट करके एफ डैश बी इज इक्वल टू जीरो। आया कितना, बी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन ना, बट बी क्या है ऑलरेडी उसने ग्रेटर देन जीरो दिया है तो माइनस वन का ही मतलब नहीं है, तो बी इज इक्वल टू वन, तो वन पुट करने पे कितना आ जाएगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो वन अपॉन वन प्लस वन हाफ। तो ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है ये, हाफ तक जा सकता है। क्लियर है सबको ये? तो इसका मतलब मिनिमम ऑफ जो ए और बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन है, ए क्या दिया है ये हमेशा ग्रेटर देन हाफ है और ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना जा सकता है हाफ, मिनिमम कितना होगा इसका। अगर इसका मिनिमम निकालूं मैं तो क्या होगा, ये तो आएगा नहीं, हमेशा यही आएगा, और ये मैक्सिमम। हेलो, तो मैक्सिमम कितना जा सकता है ये हाफ। अच्छा ये इन दोनों का मिनिमम निकाल रहा हूं मैं, बट बी मुझे पता नहीं क्या हो सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा इंटरवल अगर करेंगे तो कितना होगा हाफ, ये हाफ से कम भी हो सकता है बट मैक्सिमम इंटरवल बोलेंगे तो ये हाफ आ जाएगा, तो मतलब ये अपने पास हाफ है, क्योंकि सॉल्यूशन में हम लोग बाकी सब ऑप्शन को डिस्कार्ड करने वाले हैं। एक ऑप्शन में दिया है जीरो से लेके वन, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएगा वो, जीरो से हाफ तक जा सकता है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन दिया है जीरो से लेके वन बाय रूट टू तक, अब वन बाय रूट टू ये हाफ से ग्रेटर होता है, क्योंकि हाफ में नीचे वन बाय टू होगा और इसमें हाफ में वन पॉइंट फोर पॉइंट वन फोर, तो ये भी इससे ग्रेटर है क्योंकि ये स्मॉल है, तो इसका मतलब टोटल क्या आ जाएगा उससे ग्रेटर, तो ये भी मैक्सिमम इंटरवल नहीं हो सकता। थर्ड जीरो से लेके हाफ ये हो सकता है, फोर्थ जीरो से लेके टू तक, तो ये भी मैक्सिमम इंटरवल नहीं हो सकता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएगा हाफ तक, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। ये क्लियर है सबको? क्योंकि जो मिनिमम आने वाला है ना वो जो भी होगा वो हाफ से बड़ा तो नहीं होगा, वो सिर्फ हाफ तक ही जा सकता है, तो ये तीनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे। अब बचा ये, अब और कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसका मतलब ये करेक्ट आ जाएगा। क्लियर है सबको? इसमें जब तक बी पता नहीं होगा ना, एग्जैक्ट हम लोग नहीं बता सकते, बट मैक्सिमम इंटरवल क्या हो सकता है, जीरो से लेके हाफ तक। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? हेलो,
अब एक और क्वेश्चन दिया है, मैं इस पर क्वेश्चन लिख देता हूँ, वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो जब भी ऐसा मॉड एक्स दे देगा, इसको दो केस में लिख दो, एक तो वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स और एक वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। और एक इनिशियल कंडीशन दिया है, ये कब होगा, माइनस एक्स जब मेरा एक्स लेस देन जीरो होगा, और ये कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। मतलब जो भी इनिशियल कंडीशन है, पॉजिटिव वाले इसमें पुट करेंगे, निगेटिव वाले इसमें पुट करेंगे। अब अगर इसका सॉल्यूशन निकालना है तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा, एम स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, सॉरी फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन। तो मेरा जो y ऑफ x होगा वो क्या होगा, c इंटू ई रेस टू माइनस एक्स। ये मेरे पास से अभी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए x का यूज़ करेंगे। ऐसे यहाँ से क्या आएगा, y ऑफ x इज इक्वल टू c इंटू, जो इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी सेम आएगा, ई रेस टू माइनस एक्स, क्योंकि ये तो दोनों का सेम है ना, सिर्फ चेंज क्या होंगे, इसका भी पी आई चेंज होगा, इसका भी पी आई चेंज होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको, मतलब जो भी सॉल्यूशन आएगा ना वो सी ई रेस टू माइनस एक्स, सी ई रेस टू माइनस एक्स तो फिक्स है, अपने को सिर्फ क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। यहाँ तक क्लियर है सबको, सेकेंड ऑर्डर में जैसे निकालते हैं ना हम लोग, जैसे एम स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो या एम स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो जो भी आते हैं वो सी ई वन ई रेस टू एक्स प्लस सी टू ई रेस टू माइनस एक्स, तो वही सेम मेथड का यूज़ करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। यहाँ तक क्लियर है, हेलो, यस करो, फिर आगे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं इसका नॉन होमोजीनियस पार्ट वाला। अब अपने पास पहला कंडीशन दिया है वाई ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये इनिशियल कंडीशन दिया, मतलब कौन सा निकालेंगे हम लोग, वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसका पी आई क्या होगा, माइनस एक्स अपॉन, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, डी, वाई डबल डैश के लिए डी स्क्वायर यूज़ करते हैं, वाई डैश के लिए डी प्लस वन। अब ये डी प्लस वन है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या लिख सकते हैं, डी प्लस वन का इज टू माइनस वन माइनस एक्स। अब अगर डी माइनस वन रहता है तब हम लोग क्या लेते हैं, इसका एक्सपांशन वन प्लस डी स्क्वायर ये होता है, लेकिन अगर प्लस रहेगा तो अल्टरनेट साइन चेंज होगा। तो जब इसका एक्सपांशन ओपन करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन प्लस डी या डी प्लस वन, तो ये आ जाएगा वन माइनस डी प्लस डी माइनस डी स्क्वायर डी क्यूब, ऐसे कंटिन्यू चलते जाएगा। तो अगर ये सिंपल कर दूंगा तो ये माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन, और दो बार करेंगे तो जीरो, मतलब ये आ गया अपने पास वन माइनस एक्स। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ रहा है वन माइनस एक्स। यहाँ तक क्लियर है सबको, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल वन माइनस एक्स आ गया, वन माइनस एक्स। तो वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी ई रेस टू माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स, और कंडीशन क्या दिया है कि माइनस वन पुट करने पे जीरो आएगा, तो ये जीरो एक्स के प्लेस पे, माइनस माइनस ये प्लस और वन, और यहाँ पे माइनस पुट करूँगा तो ये, तो इसका मतलब सी ई इज इक्वल टू माइनस टू, तो सी के प्लेस पे आ जाएगा माइनस टू ई इनवर्स। तो ये अपने पास सी का वैल्यू आ गया, तो सी आ जाएगा अपने पास माइनस टू ई रेस टू माइनस वन। यहाँ तक क्लियर है, कांस्टेंट मिल गया अपने को। अब इसको यहाँ पे साइड में लिख देते हैं कि जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है माइनस टू ई रेस टू माइनस वन। तो देयरफॉर सेकेंड के लिए अपने पास जो सॉल्यूशन आया था वो क्या आ जाएगा, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू,
सी के प्लेस पे माइनस टू ई रेस टू माइनस वन और ई रेस टू माइनस एक्स, ये सी की वैल्यू पुट कर दी। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या चेंज होगा, जब माइनस एक्स था अभी क्या हो गया, सिंपल एक्स आ जाएगा, तो ये तो वही रहेगा डी प्लस वन, तो डी प्लस वन का इनवर्स एक्स, जिसको ओपन करेंगे तो वन माइनस डी प्लस डी स्क्वायर सेम ऐसे ही एक्स, तो एक बार एक्स आएगा और एक बार इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स माइनस वन, तो ये आंसर आ जाएगा एक्स माइनस वन। और किस पॉइंट पे अपने को सॉल्व क्या करना है, वाई ऑफ वन निकालना है, तो वाई ऑफ वन कितना होगा, माइनस टू ई रेस टू माइनस वन ई रेस टू माइनस वन और प्लस वन माइनस वन, तो देयर फोर वाई ऑफ वन इज इक्वल टू माइनस टू ई रेस टू माइनस टू। क्लियर है सबको ये, तो इसका मतलब वाई ऑफ वन क्या आ रहा है, माइनस टू अपॉन ई स्क्वायर। देखो एक तरीका तो ये है, इससे सिंपल हो जाता है, बाकी हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करके भी कर सकते हैं, बट उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, ये कम टाइम में हो जाता है। क्लियर है सबको ये, तो इसमें एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। और हाँ एक बात ध्यान रखना, सेट में ये लोग क्वेश्चन चेंज नहीं करते, अगर जैसे कोई क्वेश्चन रॉन्ग भी है ना तो सॉल्यूशन डालने के बाद भी कुछ क्वेश्चन तो चेंज करते, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इसको चेंज नहीं करते। तो जैसे अगर ये पेपर में से आ भी गया तो इससे रिलेटेड वाला जो है ना वही टिक करो, क्योंकि उनका कुछ मिस्टेक रहता है और बाद में वो करेक्शन करते भी नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ 7 से 8 क्वेश्चन इनकरेक्ट थे, बट उसमें से वो लोग ने सिर्फ 2 को ही करेक्ट किया था, बाकी सब वैसे ही, मतलब जो इनकरेक्ट था उसका मार्क्स किसी को बढ़ा के नहीं मिले थे, तो इसीलिए रिलेटेड वाले जो भी रहेंगे ना उसी को आंसर टिक करके आना है। बाद में बहुत कम क्वेश्चन चेंज होते हैं सेट में, नेट में चेंज हो जाता है, सेट में बहुत कुछ क्वेश्चन चेंज करते हैं और बाद में कुछ होता भी नहीं है। क्लियर है सबको ये, तो जैसे इसका सी ऑप्शन करेक्ट था 2 अपॉन ई स्क्वायर और किसी को मार्क्स ही बढ़ा के नहीं मिला था उसका एक्स्ट्रा। क्लियर है सबको ये, लेकिन सारे क्वेश्चन उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग थे, लीनियर अलजेब्रा का चेंज नहीं किया लो। लेकिन जिसका करेक्ट है वो ऐसा थोड़ी ना चलता है, सारे क्वेश्चन चेंज होने चाहिए ना। कैसा है जो, मतलब जैसे जिसका अगर स्टैंडर्ड बुक से सॉल्यूशन है वो अगर हम लोग दे देंगे ठीक है, लेकिन ऐसे उनका प्रिंटिंग मिस्टेक है तो उसको एक्सप्लेनेशन तो दे नहीं पाते, तो वो लोग वो चेंज नहीं करते वो लोग, मतलब जैसे ये सॉल्व करके बता रहे हैं ना ये रेफरेंस नहीं मानते वो लोग, उनको हर चीज का रिजल्ट चाहिए स्टैंडर्ड बुक का, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी ना अगर रहेगा ना तो उसको कुछ भी मत, उससे जो रिलेटेड रहता है ना वही टिक करो, अगर चेंज हुआ तब भी ठीक है, नहीं चेंज हुआ तो भी राइट आंसर आएगा, तो ये मत सोचो। ये टिक करेंगे तो ही मार्क्स पड़ते हैं, अगर किसी और ने दूसरा कुछ किया है ना तो लोग मार्क्स नहीं देते, मैं यही बोल रहा हूँ। जैसे ए बी सी डी है ना, तो जिसने सी किया है सिर्फ उसी के मार्क्स बढ़े थे, जिसने ए बी डी किया उसके मार्क्स नहीं बढ़े थे, वाला ही मार्क्स दिया था, ऐसा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करते वो लोग, क्वेश्चन रॉन्ग है ये एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि क्वेश्चन रॉन्ग रहेगा ना तो उसमें सी डी करके आता है, जबकि आंसर की में वो सी डी करके नहीं आया, सी ऑप्शन ही आया था। सबको मार्क्स कम मिलते हैं जब वो क्वेश्चन को नल करते हैं, मतलब कि हाँ ये क्वेश्चन को माना नहीं जाएगा तब मार्क्स मिलता है, लेकिन अगर उसका आंसर सी आया है ना तो इसका मतलब वो लोग ने उसी को सी को ही राइट बोला है, तो वो मार्क्स नहीं बढ़ता, जिसने सी टिक किया रहेगा से उसी को मिलेंगे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नहीं जिसने लास्ट टाइम पहले दिया रहेगा उसको मालूम रहेगा, उसके 2-4 मार्क्स से गए रहेंगे ना उसको पता होगा। सिक्सटी सेवन में ये ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी वाले क्वेश्चन है, इसमें क्या करते हैं हम लोग ऑर्थोगोनल सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे मान लो अगर अपने पास दिया है y ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ xc,
पहले तो क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो ये अपने पास इसका एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अपने को क्या करना है, इसके जो ऑर्थोगोनल आएगा उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो अगर ये स्लोप एम वन दिया है, तो अगर इसके ऑर्थोगोनल अगर कोई फंक्शन है तो उसका डेफिनेशन क्या, उसका स्लोप क्या होना चाहिए, एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस वन। मतलब जो नया वाला फंक्शन आएगा उसका स्लोप कितना होना चाहिए, एम टू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम वन, यानी कि इसके स्लोप का रेसिप्रोकल, निगेटिव रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो पहले यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालो, और फिर जो नया डेरिवेटिव रहेगा उसको क्या लेना है, माइनस वन अपॉन एम वन, और बाद में इसको सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो लेट y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर दिया है, तो पहले इसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं c को एलिमिनेट करके। तो dy बाई डी एक्स या फिर सिंपल y डैश इज इक्वल टू टू सी एक्स, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी y डैश बाय टू एक्स। तो y की वैल्यू, तो यहाँ पे y, जहाँ पे c लिखा वहाँ पे क्या पुट करेंगे, y डैश बाय टू एक्स, तो y इज इक्वल टू y डैश अपॉन x बाय टू। तो यहाँ से अपने को y डैश मिल गया, तो y डैश कितना मिल जाएगा, y डैश को क्या लिख सकते हैं, dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू वाई बाई एक्स। ये तो अपने पास डेरिवेटिव, अपने को क्या चाहिए, इसके ऑर्थोगोनल, मतलब इसके ऑर्थोगोनल जो रहेगा फंक्शन उसका स्लोप चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो नया वाला फंक्शन आएगा उसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले तो इसको चेंज कर देंगे, मतलब इसका रेसिप्रोकल लेंगे, x बाई टू वाई, और साइन क्या लिख देंगे, माइनस, तो इसका निगेटिव रेसिप्रोकल। अब बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करो इसको क्या आएगा, सिंपल वेरिएबल सेपरेबल से कर सकते हैं इसको, इसको ये साइड लेके आओ, टू वाई डी वाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या आएगा आंसर, सॉल्व करो इसको, क्या रहा, वाई स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर आ जाएगा, इसका ये साइड एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी। अब जो कर्व है वो कहाँ से पास हो रहा है, जीरो वन से, तो सी की वैल्यू क्या होगी, एक्स के प्लेस पे जीरो और वाई के प्लेस पे वन, तो सी इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा। ठीक है, ये दिया है, अब इसमें दिया है कि ये कर्व और कहाँ से पास होगा, मतलब वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू हाफ है, ये मिल गया अपने को। अब इसमें चार पॉइंट दिए, वो कहाँ से पास होगा, तो एक दिया है जीरो अंडर रूट टू, एक वन वन, एक रूट टू जीरो, और एक माइनस वन और वन। ये ऑप्शन कर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा इसमें से, ये तो वैसे ही हट गया, वन वन पुट करेंगे तो ये ऑप्शन हट जाएगा, जीरो रूट टू पुट करेंगे तो एक्स के प्लेस पे जीरो रूट टू का स्क्वायर ये भी हट जाएगा। इस मिस्टेक हो गया इसमें, वाई स्क्वायर बाई टू, तो टू टू कैंसिल होगा, इसका माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी। एक्स के प्लेस पे जीरो पुट किए, वाई के प्लेस पे सॉरी वन आएगा ना, ये एक्स स्क्वायर प्लेस पे जीरो पुट करेंगे वन आएगा सर। अब चेक करो,
सी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ये नहीं आएगा, सी आएगा ना। देखो एक्स को जीरो पुट कर देंगे, वाई को जीरो पुट कर देंगे, तो रूट टू का स्क्वायर टू, टू बाई टू वन, तो ये करेक्ट आ जाएगा, रूट टू कॉमा जीरो। ये नहीं आएगा, ये तो एक्स, एक्स के प्लेस पे जीरो, तो रूट टू का स्क्वायर टू इज इक्वल टू वन आएगा ना, तो सी ऑप्शन। टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का करते हैं अभी। तो जेड इज इक, क्वेश्चन नंबर 33। हाँ ये सब तो डायरेक्ट बता सकते हैं हम लोग। बोलो क्या आएगा इसका आंसर, फटाफट बताओ। विजिबल है सबको? बोलो क्या आएगा इसका आंसर, 5152 टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रॉन्सकिन? डायरेक्ट स्टेटमेंट है ये, कुछ सॉल्व नहीं करना है। बोलो जल्दी क्या आएगा आंसर, 5152 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन दिए है, ए ऑप्शन आएगा, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। इसमें देखो y डबल डैश प्लस ए वाई, मतलब y डैश का कोएफिशिएंट इसमें मिसिंग है, मतलब ए वन जिसको हम लोग ए वन बोलते थे ना वो मिसिंग है, और ए वन इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब उसका रॉन्सकिन क्या होगा, कॉन्स्टेंट आएगा, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल ए। 34 द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी सिंपल कर सकते हो, सॉल्व करो, वेरिएबल सेपरेबल है, वाई डैश को डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो एक्स एक्स के साथ डी एक्स के साथ सेपरेट हो जाएगा, और वाई डी वाई के साथ, सॉल्व करो इसको। सेम उसी के जैसा है, उसमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पूछा था, इसमें सिंपल है, कहाँ से पास हो रहा है, वन टू से, फिर जो सॉल्यूशन आएगा वो कहाँ से पास होगा, पहले इसका सॉल्यूशन निकालो वेरिएबल सेपरेबल का यूज करके, सी आएगा आंसर। क्या आ रहा है इसका, सिंपल है ये कैलकुलेशन, बहुत लोगों ने किया भी होगा इसको, वाई को वाई के साथ ले लेंगे डी वाई के साथ, तो ये वन बाय वाई नीचे आ जाएगा, वन बाय वाई डी वाई, और डी एक्स के साथ आ जाएगा टू बाय एक्स, मतलब लॉग एक्स, और ये साइड राइट साइड में आ जाएगा लॉग वाई, अरे लॉग वाई टू लॉग एक्स, तो लॉग एक्स स्क्वायर, फिर लॉग कॉन्स्टेंट वाला ले लेंगे, तो टू एक्स स्क्वायर आएगा ना, वाई इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो वाई को टू एक्स को टू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एट, मतलब कहां से पास होने वाला है, टू कॉमा एट। क्लियर है सबको, ये निकाल सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। आया है सबका 34 का? एक बार यस कर दो सब। 34 क्लियर है सबको, वेरिएबल सेपरेबल मेथड सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर आएगा। में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑप्टेन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम द एक्सप्रेशन। अब इसमें कितने कांस्टेंट यूज हो रहे हैं, ए और बी, तो इसको करने के दो मेथड होते हैं, एक तो डायरेक्ट पुट करके चेक कर लो, ऑप्शन ए में पुट करो, बी में, सी डी में, जो सेटिस्फाई कर गया वो होगा। दूसरा तरीका क्या है, दो कांस्टेंट है तो दो बार इसको डिफरेंशिएट करना रहेगा, तो दो बार डिफरेंशिएट करके इसको निकाल सकते हैं, सिंपल डिफरेंशिएट कर दो, ज्यादा बेटर है।
सॉल्व करो एक बार कितना आ रहा है। दो बार डिफरेंशिएट करके ए और बी को एलिमिनेट करना है। पहले एक बार डिफरेंशिएट करके ए को एलिमिनेट करो, फिर सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करके बी को एलिमिनेट करो। मेरे ख्याल से पहले बी एलिमिनेट होगा, बाद में ए एलिमिनेट होगा। ट्राई करो 35 वाला। पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो और फिर इसको डिवाइड करके ई रेस टू बी एक्स एलिमिनेट हो जाएगा। ये ऑप्शन आ रहा है सबका, बाकी लोग का आ रहा है ये। नेहल, स्वाति, विकास, ठीक है। तो 21 में यही तीन क्वेश्चन थे। ए ए करेक्ट है। ए सही है इसका। सिंपल क्या करना था, बस इसको एक बार डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दो, आ जाएगा ये। जैसे वाई इज इक्वल टू ए ई रेस टू बी एक्स है, वाई डैश करेंगे तो ये क्या आएगा, ए बी ई रेस टू बी एक्स, तो ये डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो वाई डैश बाय वाई और ये ई रेस टू बी एक्स, ई रेस टू बी एक्स कैंसिल, एक ए ए कैंसिल हो जाएगा तो बी बचेगा। बस y डैस बाय इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो b एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा ये देखो 2020 मतलब 19, 20 और 21 का सेम पैटर्न था, तो इसीलिए क्वेश्चन भी उनके सेम ही रहेंगे। जैसे 33, 34, 35 वहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन था, तो यहाँ पे भी सेम। अगर सेट ए है तो 33, 34, 35 यही उनका डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। 33 में देखो, ये तो हम लोग चेक किए थे कि एक्स और मॉड एक्स है, ये इसका कांस्टेंट मल्टीपल तो होगा नहीं, मतलब लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है। अब डिपेंडेंट नहीं है इसका मतलब क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन इसका रॉन्सकेन हम लोग चेक किए थे कि अगर x इज लेस देन जीरो के लिए निकालेंगे तब भी जीरो आता है, ग्रेटर देन जीरो के लिए निकालेंगे तब भी जीरो आता है। तो रॉन्सकेन जीरो आएगा, लेकिन क्या है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। क्लियर है सबको ये? कल के लेक्चर में देखे थे हम लोग कि x मॉड x क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट है, अरे सॉरी डिपेंडेंट बोल रहा हूँ, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बट इसका रॉन्सकेन क्या होता है, जीरो होता है। इसीलिए इन जनरल रिजल्ट ट्रू नहीं है ये, कि लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं होता कि इसका रॉन्सकेन नॉन जीरो होगा। तो बोथ वन एंड ट्रू आर करेक्ट। इसको सिंपल वेरिएबल सेपरेबल से कर सकते हैं हम लोग, डी वाई के साथ एक्स है और डी एक्स के साथ वाई है। पहले तो इसको एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे,
एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये वन अपॉन वाई डी वाई और वन अपॉन एक्स डी एक्स, तो एक लॉग वाई आ जाएगा, एक लॉग एक्स आ जाएगा, और राइट में कांस्टेंट, तो उसको लॉग सी ले लेंगे, तो लॉग वाई माइनस लॉग एक्स, तो वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी, तो वाई इज इक्वल टू एक्स सी, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ये क्लियर है, 34 कर सकते हैं इसको। पहले एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे, फिर वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा ये, इसको वाई के रिस्पेक्ट में, इसको एक्स के, तो स्ट्रेट लाइन आएगा। क्लियर है 34? अच्छा, ये सबसे सिंपल पूछे थे 2020 में, ये भी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये भी एकदम सिंपल है, और ये डिग्री का पूछे हैं। डिग्री कैसे निकालते हैं, आफ्टर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, जितने भी रेडिकल्स हैं तो उस तभी उसका डिग्री रेडिकल से फ्री होना चाहिए, रेडिकल्स मतलब रूट वगैरह नहीं होने चाहिए, तो 2/3 है, तो पहले तो इसका क्यूब रूट हटाने के लिए 3 से करेंगे, तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर भी 3 है, तो ऑर्डर 3 और उसका पावर 3, तो मतलब 3 3, सी ऑप्शन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन कभी हार्ड नहीं पूछा है, हमेशा सिंपल ही पूछते हैं लोग। अब देखो 2019 में भी सेम पैटर्न था, तो वहां पे भी उनका क्वेश्चन नंबर सेम ही रहते हैं, 33 34 35। देखो अगर nth ऑर्डर का लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट तो 3 ही रहेंगे, तो उसके पास हैज एग्जैक्टली n लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो जितने ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उतने ही उसके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट कांस्टेंट आएंगे, बाकी सब आएंगे वो पर्टिकुलर इंटीग्रल रहेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो याद रखना है कि अगर nth ऑर्डर का लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके पास एग्जैक्टली n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन रहते हैं, तो ये भी सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 33 34 द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बर्नौली इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो बर्नौली के लिए क्या करते हैं, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो लीनियर का फॉर्म क्या रहता है, अगर वाई में लीनियर है तो डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे वाई स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा और ये आ जाएगा वन अपॉन वाई, बर्नौली इक्वेशन में क्या करते हैं, जैसे डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे कुछ पी ऑफ एक्स वाई और क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई रेस टू एन होगा, तो क्या करते हैं सबको वाई रेस टू एन से माइनस एन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा वाई रेस टू माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई रेस टू माइनस एन प्लस वन, मतलब वन माइनस एन, और ये आ जाएगा क्यू ऑफ एक्स। तो ये अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होता है, क्या पुट करेंगे हम लोग, जो वाई रेस टू एन है,